हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राव ट्यूटोरियल्स हिंदी में। फ्रेंड्स, आज आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हमारे चैनल राव ट्यूटोरियल्स हिंदी ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हुआ है कि आज हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिया। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इसे और इसके हमारे चैनल के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और फ्रेंड्स, आगे मैं आपके लिए बहुत ऐसे ही टेक्निकल वीडियो लेते आऊँगा हमेशा रेगुलरली। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए व्यूअर है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा बुखोज रिले के बारे में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको पावर ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें बुखोज रिले के बारे में भी बताया था। और मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं इसका वर्किंग बताऊंगा कि बुखोज रिले कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, बुखोज रिले एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारा क्या होता है कि लार्ज मतलब कि ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है। और फ्रेंड्स, जैसे 500 केवीए से ज़्यादा का ट्रांसफार्मर है उसमें ही हमारा बुखोज रिले यूज होता है। और फ्रेंड्स, इसका एक और वो है कि मतलब कि ये मतलब कि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर है, मतलब कि जिसमें ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल यूज होता है उसी में बुखोज रिले का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसको वीडियो में बताऊंगा कि बुखोज रिले कैसे वर्क करता है। तो बुखोज रिले एक सेफ्टी डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, इनस्पीड बाइंडिंग फॉल्ट या कोर फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। ये फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो चलिए आज देख लेते हैं कि हमारा बुखोज रिले कैसे वर्क करता है। चलिए आज देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बुखोज रिले का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। बुखोज रिले जो है फ्रेंड्स, कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर के मेन ऑयल टैंक के बीच में लगा होता है। यह फ्रेंड्स ऑयल फील्ड चैम्बर होता है, मतलब इसमें फ्रेंड्स ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ होता है। ये फ्रेंड्स, इसमें दो एलिमेंट होते हैं। ये देखिए, ऊपरी भाग में एक फ्लोट लगा हुआ होता है, जो ये देखिए ऊपरी भाग में फ्लोट लगा हुआ है जो एक हिंज मतलब कुंडी के सहारे लगा हुआ होता है। और इस फ्लोट पे क्या होता है फ्रेंड्स, एक मर्करी स्विच लगा हुआ होता है, मर्करी स्विच जो सीधे अलार्म सर्किट से कनेक्ट रहता है। और निचले भाग में फ्रेंड्स एक फ्लैपर लगा हुआ होता है, वो भी ये क्या होता है, हिंज या कुंडी के सहारे जुड़ा हुआ होता है। और इस पे भी फ्रेंड्स एक मर्करी स्विच लगा हुआ होता है जो हमारा सीधे ट्रिप सर्किट से जुड़ा हुआ होता है। फ्रेंड्स, ये ट्रिप सर्किट का मतलब क्या है, मतलब ट्रिप सर्किट का मतलब कि हमारा जब फॉल्ट आएगा तो मतलब ये ट्रिप हो जाएगा, ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। अलार्म सर्किट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जब हमारा ये फ्रेंड्स फॉल्ट कोई आएगा ट्रांसफार्मर के अंदर तो बुखोज रिले क्या करेगा कि पैनल रूम में या कंट्रोल रूम में क्या करेगा कि अलार्म को मतलब कि एनर्जाइज कर देगा और उस समय अलार्म बच जाएगा। तो इसलिए होता है फ्रेंड्स। और ये ऊपर देखिए, ऊपरी भाग में एक वाल्व लगा हुआ है जो इसके अंदर गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब गैस आ जाएगा फॉल्ट के दौरान या गैस आ जाएगा उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब फ्रेंड्स, ये हम देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स, बुखोज रिले का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिंपल है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, पूरी तरह मैकेनिकल फिनोमिनल पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, मान के चलिए ट्रांसफार्मर के अंदर जब कोई माइनर फॉल्ट होता है, मतलब छोटा फॉल्ट होता है, जैसे इंसुलेशन फॉल्ट्स बिटवीन टर्न्स या ब्रेकडाउन ऑफ कोर ट्रांसफार्मर या कोर हीटिंग, इस टाइप का जब माइनर फॉल्ट होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल हीट होता है। और ट्रांसफार्मर ऑयल हीट होने के कारण क्या करता है फ्रेंड्स, गैस प्रोड्यूस करता है, जैसे हाइड्रोकार्बन गैस, CO2, CO गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये गैस क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो पाइप लगा हुआ होता है, जो ऑयल पाइप ये लगा हुआ होता है, इसके थ्रू क्या करता है कि ये गैस क्या करता है, बुलबुले के रूप में क्या ऊपर की ओर जाता है। जब फ्रेंड्स ये ऊपर की ओर जाता है और ये हमारा चैम्बर जो बुखोज रिले लगा है इसमें गैस आता है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, गैस क्या करता है, ये फ्लोर से टकराता है। जब फ्रेंड्स ये फ्लोर से टकराएगा तो ये थोड़ा सा क्या होता है, टिल्ड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा झुक जाता है। तो कुछ समय पहले जब हमारा मर्करी स्विच जो NO रहता है, जब ये फ्रेंड्स झुक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, NC हो जाएगा। और हमारा इस समय सर्किट क्या हो जाएगा कि इनर्जाइज हो जाएगा फ्रेंड्स, जब ये हमारा थोड़ा सा झुक जाएगा। तो इस सर्किट ये जब हम मर्करी स्विच क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, तो सर्किट इनर्जाइज हो जाएगा। और उस समय जो हमारा कंट्रोल रूम में जो हमारा बजर लगा होगा तो क्या होगा, वो बच जाएगा। जब ये हमारा NC हो जाएगा, सर्किट एनर्जाइज हो गया, तो सर्किट हमारा अलार्म सर्किट कंट्रोल रूम में बच जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स माइनर फॉल्ट्स जब हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर होगा। अगर फॉल्ट मान के चलिए हमारा ज़्यादा फॉल्ट हो गया ट्रांसफार्मर के अंदर, जैसे शॉर्ट सर्किट बिटवीन फेज या शॉर्ट सर्किट बिटवीन अर्थ या फॉल्ट इन टेप चेंजिंग इक्विपमेंट में ज़्यादा फॉल्ट आ गया, तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स,
ये ट्रांसफार्मर ऑयल ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा हीट होने के कारण ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा जैसे कि हाइड्रोकार्बन गैस CO2 या CO, ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा और ये गैस फ्रेंड्स ये ऊपर की ओर जाएगा बुलबुले के रूप में। तो फ्रेंड्स जब ये ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा, जब ज़्यादा प्रोड्यूस इस रास्ते से नहीं जाएगा, ये ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, सीधे डायरेक्ट हमारा फ्लेपर से टकराएगा। ये देखिए फ्लेपर यहाँ इसके सामने ही लगा रहता है, तो फ्लेपर से जाके डायरेक्ट टकराएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा कि थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा, जो झुक जाएगा तो कुछ समय पहले जो हमारा ये मर्क्यूरी स्विच NO रहता है, जब ये झुकने के कारण क्या होगा NC हो जाएगा और हमारा फ्रेंड्स क्या होगा सर्किट इनर्जाइज हो जाएगा और क्या होगा हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए जब हमारा ज़्यादा फॉल्ट होगा तो ज़्यादा मात्रा में ये डायरेक्ट गैस आता है तो ये बैंड हो जाता है और NC हो जाता है और हमारा क्या हो जाता है कि ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है और हमको क्या करता है कि ट्रांसफार्मर और भी फॉल्ट सेव करता है, ट्रांसफार्मर को भी सेव करता है। तो बुकेज रिले का वर्किंग फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, ये ऐसे ही वर्क करता है जो बहुत ही सिंपल मैकेनिकल फिनोमिना पर डिपेंड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल रा ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।